हेलो जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल एकदम खैरियत से हूँ और आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मींस के बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ और ये रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर पंजाबी स्टाइल में, जो हमारे पंजाब में जब हम छोटे होते थे तो अपनी नानी लोगों के घर जाते थे, तो मैंने अपनी मुमानियों को और मेरे जितनी भी खाला वगैरह थी वो इसी तरह से बनाती थी। तो आज मैं उनके स्टाइल में आज मैं आपको बना के सिखाने वाली हूँ आलू गोश्त की सब्ज़ी। आलू गोश्त का जो सालन है वो बनाएंगे हम, ठीक है, लेकिन बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, बिल्कुल पंजाब वाले स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में मैंने जो है आधा किलो गोश्त लिया है, ठीक है। आपके ऊपर, आप पे डिपेंड करता है आपको गोश्त कौन सा चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आधा किलो गोश्त के अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पर दो लार्ज प्याज ली थी, उनको मैंने कट कर लिया है, और 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने कट कर लिए हैं, और 3 चीज़ पेस्ट है मेरा, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली। और गरम मसाले में सिर्फ मैं साबुत गरम मसाले में मैंने 2 इलायची ली हैं, 2 लौंग और एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा लिया है, बाकी वही हल्दी, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च। तो इन सब चीज़ों को मैं अपने इसमें गोश्त में ऐड करूँगी और इसको प्रेशर देंगे और पकाएंगे। चलें जी, तो 1 by 1 हम अपना सारा स्पाइसेस जो मसाले, एक्चुअली मुझे जो है वो थोड़ा शोरबे वाला, जब राइस के साथ आप बनाते हैं तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, और गाढ़ा करने के लिए आपको अपने जो टमाटर प्याज वगैरह हैं वो अच्छी क्वांटिटी में डालने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और ये देखें जी सब कुछ आ गया इसमें। इसको एक मिक्स देंगे और फिर इसको प्रेशर लगा कर छोड़ देंगे। अच्छा, मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक इसमें 2 कप पानी डाला था, लेकिन यह है कि मेरे कुकर में जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो पानी सिर्फ उसमें इतना होना चाहिए कि जिसमें सब चीज़ें आपकी जो है वो डूब जाएं, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। अब बस हम इसको प्रेशर लगाएंगे और पहली जो विसल बजेगी, पहली विसल बजने के बाद जो है हम इसको सिर्फ 20 मिनट्स तक बनाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर UAE में गोश्त जो है इतना ऐसा नहीं मिलता जैसे पाकिस्तान में होता है कि बहुत उसको पकाना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बहुत ईजीली ये गल जाता है। तो मैं पहली विसल आएगी, पहली विसल आने के बाद मैं इसको 20 मिनट्स के लिए पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो 20 मिनट के बाद मैंने इसका प्रेशर खोल दिया है और गोश्त अच्छे से गल गया है, सारे मसाले भी देखें, प्याज, टमाटर सब कुछ एकदम यकजा हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल ऑलमोस्ट मैं इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा कम ही डालूंगी, आप अपने जैसे आप लोगों को पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग तेल डालते हैं, घी डालते हैं, जो भी आप डालते हैं आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट, ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और फिर इसमें आलू डालेंगे, और साथ ही साथ मैंने राइस जो है वो चढ़ा दिए ऊपर। राइस की रेसिपी आपको पता, मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, जो हमारे फेवरेट हैं वही राइस बनेंगे, ज़ीरा और प्याज वाले, तो बस वही राइस बनाएंगे, तो वो ऑलरेडी रेसिपी आपको मैं दे चुकी हूँ। चलें जी, गोश्त अच्छे तरीके से देखिए कितना अच्छा भुन गया है, ऑलमोस्ट मुझे 8 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं आलू डालूंगी और आलू डाल के मज़ीद इसको जो है 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि सारा जो मसाला है वो आलू में चला जाए और आलू जो है वो फीके ना रहें। चलें जी, तो ये देखें आलू भी इसके साथ अच्छे से भून गए हैं और बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से पानी डालें, और फिर इसको तब तक पकाएंगे जितना, जब तक कि मुझे अच्छी ग्रेवी नहीं मिल जाती और आलू मेरे नहीं गल जाते, तो फिर ठीक है, फिर बिल्कुल लास्ट में वापस मिलते हैं और फिर आपको इसकी लास्ट लुक भी दिखाऊँगी मैं। चलें जी, तो हम वापस आ गए हैं और हमारा देखिए शानदार किस्म का जो है वो आलू गोश्त रेडी हो गया है, कितनी अच्छी इसमें ग्रेवी बनी है। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया और इसको चूल्हा बंद कर देंगे जी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा आलू गोश्त का सालन, और बिल्कुल रेडी है ये, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना।
जी तो देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा डिनर है वो बिल्कुल रेडी है। राइस भी रेडी हो गए, सैलड है और आलू गोश्त का सालन है। राइस आपके सामने मैं पहले भी बना चुकी हूँ, वही सेम रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा कीजिए, और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। हो सकता है आपको किसी और अच्छी लोकेशन पर भी लेके चले हम, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम।